अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने मेज़बान राजा फैसल के साथ आप देख रहे हैं व्यू द वर्ल्ड चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि व्यू द वर्ल्ड चैनल एक अवामी चैनल है, इसमें अवाम की बात की जाएगी, अवाम के मसाइल की बात बारे में बात की जाएगी, कश्मीर के बारे में बात की जाएगी, कश्मीर का जो टूरिज़म है, कश्मीर की जो सियाहत है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो आज इसी तरह स्पेशली एक नौजवान की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उस नौजवान ने मुझे अपने एरियाज़ की वीडियोज़ वगैरह भेजी थी, पिक्चर भेजी थी कि हमारा एरिया कई सालों से पसमानदा रखा गया है। ये एरिया सरदार मीरकपुर साहब के हलके में आता है, बाआज़ाद कश्मीर हल्का शिरकी में ये एरिया आता है, जंडी नाड़ शेर अली ख़ान इस जगह का नाम है। ये आप मेरे सामने कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर का मुवाजना कर लें, ये वहाँ की रोड का ये सूरत हाल है। क्योंकि हुक्मरान तो आते हैं, इससे पहले भी सरदार मीरकपुर साहब पिछले इलेक्शन में उस हल्के से जीते थे, लेकिन कोई बहुत ही कम जो तरक्याती काम वहाँ पर करवा सकें। इस एरिया में तकरीबन 500 से ज़्यादा जो घर हैं, उन घरों में आप आवाम का अंदाज़ा लगा लेंगे कितने लोग होंगे, कितनी आवाम होगी। जो जहाँ पे 500 घर हों, उस गांव में अगर हॉस्पिटल भी ना हो, कोई डिस्पेंसरी भी ना हो, रोड्स भी ना हो, इन केस ऑफ एमरजेंसी वो लोग क्या करते होंगे। ये आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ की रोड्स का क्या हाल है। 3-3 से 4-4 हज़ार रुपये जो गाड़ी वाले हैं वो किराया लेते हैं, जो मैं तो स्पेशल बुकिंग होती है, जीप चल सकती है, यहाँ पर आम गाड़ी नहीं जा सकती। इन केस ऑफ एमरजेंसी लोगों का क्या हाल होगा। स्कूलों का निज़ाम आप देख लें कि स्कूलों का वहाँ पे क्या हाल है, कोई ना होने के बराबर वहाँ पे स्कूल है। वहाँ पे मेरी सरदार मीरकपुर साहब से रिक्वेस्ट है कि आपका ये एरिया है ना, कि लोग आपके मजबूर हो के न्यूज़ चैनल की तरफ जाएं या सोशल मीडिया की तरफ जाएं, उससे पहले कि आप इस हल्के से जीतते आ रहे हैं, आप अपनी आवाम की देखभाल करें। आपको ये आपकी जो आवाम है सिलेक्ट करके आगे भेजती है कि आप आवाम के काम करवा सकें, जो तरक्याती काम है वो करवा सकें। वहाँ पे इस एरिए में इतने सारे घर हैं, कम से कम एक या दो वहाँ पे जो डिस्पेंसरीज हैं वो होनी चाहिए। जो रोड की सूरत हाल है वो रोड पुख्ता रोड होनी चाहिए, स्कूलों की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुज़त कई सालों से आप इस हल्के से लड़ते आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं, आपने वजारतें भी हासिल की, लेकिन ये एरिया उसी की तरह पहले की तरह पसमानदा है। तो मेरी बाकी जो एरियाज़ हैं या हल्के आते हैं, उनमें भी ऐसी सूरत हाल है। जो भी कैंडिडेट इस टाइम खड़े हैं अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने हल्के में, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो एरियाज़ हैं, मेरे नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन लोगों को बताएं कि हमारे एरियाज़ के ये मसले हैं, ताकि वो आपके मसले मसाइल हल करवाएँ। ये नहीं कि इलेक्शन के बाद वो जीत के भूल जाएँ। आप बार बार, अगर वो बंदा आप जो चूज़ किया हुआ कैंडिडेट जीत जाता है, तो आप बार बार अपने एरियाज़ के जो मसले मसाइल हैं तो उनके साथ शेयर करें कि इनको हल किया जाए। तब भी नहीं किया जाता, ये लोग इग्नोर करते हैं, तब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है सोशल मीडिया का, मीडिया आज़ाद है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम आवाज़ बनेंगे आप लोगों की। तो मेरी उन जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो इस टाइम खड़े हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर में हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी कश्मीरी बोली आवाम है जो कई सालों से पिसती आ रही है, तो खुदा का वास्ता है, खुदा रहा इनके साथ ज़्यादती ना करें। इस आवाम का सोचें, अपने आप के लिए तो आप लोगों ने बहुत सोच लिया, इस आवाम का सोचें, इनके मसाइल के बारे में सोचें, ताकि ये लोग भी आप लोगों की तरह ज़िंदगी तो नहीं जी सकते, कम अज़ कम उससे थोड़ी कम अज़ कम इनको जो ये सहूलियात हैं आराम से बंदा जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए आराम से उसे कोई ट्रीटमेंट मिल सके, वहाँ पे स्कूल में हमारे बच्चे आराम से पढ़ सकें, गाड़ी की सहूलियात मौजूद हो, रोड्स के मौजूद हों, कम अज़ कम ये चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाएँ। शुक्रिया।